लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3A, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली. हमें ये दोनों इक्वेशंस सॉल्व करनी है ग्राफिकली. इसका मतलब एक्स और वाई के ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें. तो कैसे निकालेंगे देखिए. फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x + y +1 = 0, राइट. तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो 1 है कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड ले आएंगे, जिससे कि हम अपनी इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकें. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x + y = -1. एक्स और वाई की वैल्यू रखने के लिए हमने एक ग्रिड बना ली. यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, राइट. अब क्या रख सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 कर दूं तो वाई हमारा -1 आ जाएगा. तो पुटिंग x = 0, तो क्या आई वैल्यू, 3 × 0 + y = -1. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1. तो x 0 हुआ तो y आ गया -1, राइट. इसी तरीके से सेम अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 कर देती हूँ और 2 कर देती हूँ, तो हम इजिली y की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो मैंने लिखा पुटिंग x = 1, तो y कितना आ जाएगा, 3 × 1 + y = -1. तो 3 + y = -1, y कितना आ गया, -1, और ये 3 इधर आके भी माइनस का हो गया. तो y आ गया हमारा, y = -4 हो गया. तो इसका मतलब अगर x 1 है तो y है -4. अब इसी तरीके से y की वैल्यू निकालनी है, अगर x 2 है, पुटिंग x = 2, तो 3 × 2 + y = -1. तो ये आ गया 6 + y = -1. तो y आ गया -1 - 6, तो y की वैल्यू आ गई -7, राइट. तो अगर x 2 है तो y है -7. सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं. सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x - 3y + 8 = 0. अब इस 8 को हम इस साइड ले आते हैं, राइट. कांस्टेंट हमेशा राइट हैंड साइड रखते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 3y = -8 हो गया प्लस का, राइट. अब आप देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 2 से इजिली डिवाइड हो सकता है. तो हम यहाँ पे y की वैल्यू इजिली रखेंगे, जिससे कि हम x की इजिली निकाल सकें वैल्यू. तो उसके लिए ग्रिड बनाएंगे, ये x और y के लिए ग्रिड बनाई हमने. यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू. तो अब मैं यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 रखूं, तो देखते हैं, पुटिंग y = 0, तो ये आया 2x - 3 × 0 = -8. 2x = -8 हो गई. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/2, दैट इज -4. तो y अगर 0 है तो x है -4, राइट. देखिए इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू हम 1 करके देखते हैं, तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा. देखिए यहाँ प्लस का 3 हो गया, 5 हो गया, तो 5 इजिली डिवाइड हो सकता है 2 से. तो हमने लिखा पुटिंग y = 1, तो ये आया 2x - 3 × 1 = -8. तो 2x - 3 = -8, 2x = -8 + 3, तो ये आ गया 2x = -8.
-5, तो x कितना आ गया, -5/2, दैट इज माइनस का 2.5 आ गया। नाउ आप देखिए आप क्या रख सकते हैं इसमें, यहां पे लिख दीजिए पहले y अगर 1 है तो x है माइनस का 2.5, राइट। आप देखिए इसमें क्या रख सकते हैं, y 1 रख लिया, अब y 2 रख के देखते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 2, तो ये आया 2x माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू -8, तो ये आया 2x माइनस 6 इक्वल्स टू -8, 2x इक्वल्स टू -8 प्लस 6, दैट इज 2x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2/2, दैट इज -1, तो y अगर 2 है तो x है -1। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये देखिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स और ये सेकेंड इक्वेशन के। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले पहले ग्राफ बना लेते हैं, तो अब कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, एक्स 0 है तो वाई -1 है, तो एक्स 0 यहाँ आया, वाई -1, तो ये यहाँ आ गया, एक्स 0 वाई -1 यहाँ आ गया हमारा, और हमने यहाँ लिख दिया एक्स 0 है और वाई -1 है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्स 1 है वाई -4 है, एक्स 1 है तो वाई -4 है, ये वाला पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे बना दिया हमने पॉइंट एक्स 1 वाई -4। नेक्स्ट देखिए, एक्स 2 है वाई -7 है, एक्स 2 वाई -7 यहाँ आ गया, तो ये आ गया हमारा पॉइंट एक्स 2 वाई -7। लाइन ड्रॉ कर देंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन हम स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन सी लाइन ड्रॉ की है। ये है हमारी 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखते हैं, हमारा x -4 है, y 0 है, y 0 यहाँ होता है, x -4 है, तो -4 कहाँ आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया हमारा पॉइंट x -4 है और y 0 है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, x -2.5 है, y 1 है, y 1 है, x 2.5 है, यहाँ आ गया, तो यहाँ हमने लिख दिया x -2.5 और y 1। नेक्स्ट देखिए, x -1 है और y 2 है, x -1 है और y 2 है, ये वाला आ गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा दिया हमने x -1 एंड y 2। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे तीनों पॉइंट्स को मिला के, ये हमारी लाइन ड्रॉ गई, और यहाँ पे हमने लाइन नंबर लिख लाइन नेम लिख दिया 2x -3y +8 इक्वल्स टू 0। अब हमें वो x और y के पॉइंट्स निकालने थे जिसपे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो ये देखिए, अगर x की तरफ देखें तो x आ रहा है -1 और y की तरफ देखें तो y आ रहा है 2, तो हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये देखिए ये आ गया यहाँ से y का पॉइंट 2 और x का पॉइंट -1, तो यहाँ लिख देंगे x आ गया हमारा -1 और y आ गया हमारा 2 इज द आंसर।